जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, तुर्की की तरफ से एक बहुत ज्यादा खतरनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आप सभी मित्रगण जानते हैं, तुर्की में आए भूकंप की वजह से हजारों हजार की संख्या में लोगों की जाने चली गई और इसके अलावा दोस्तों कई बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। लेकिन दोस्तों, तुर्की जो भारत को लेके तीखा रुख रखता था, वो अब भारत के साथ अपने संबंधों का महत्व समझ चुका है। और दोस्तों, इसी कड़ी में तुर्की ने भारत से एक बार फिर से मदद की गुहार लगाई है। और इसी कड़ी में दोस्तों, लेटेस्ट आंकड़ों की बात करी जाए तो 45,000 से ज्यादा लोग तुर्की में अभी तक इस भूकंप की वजह से जान गंवा चुके हैं। और दोस्तों, यदि सीरिया में भी कुल मौत के आंकड़े को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा आंकड़ा 50,000 के पार चले जाता है। और दोस्तों, इसी बात से हमें इस भूकंप की तीव्रता का और इसकी फैलाई गई बर्बादी का अंदाजा लग सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत ने शुरुआती दौर से ही तुर्की की काफी ज्यादा मदद करी, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, तुर्की को और भी ज्यादा मदद की आवश्यकता है, जिसके तहत भारत के मुंबई में स्थित तुर्की के नए कौंसलर जनरल ने भारत से नए मेडिकल उपकरण और दवाइयां और भी कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट की मांग करी है। और इसी कड़ी में दोस्तों, भारत ने तुरंत कदम उठाते हुए अपने मेडिकल इक्विपमेंट से भरे हुए जहाज तुर्की रवाना कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, तुर्की की एक रिक्वेस्ट पे भारत द्वारा तुर्की की इतनी बड़ी जो मदद की जा रही है, इससे दुनिया भर के देश हैरान है कि भारत पहले ही करोड़ों डॉलर की तुर्की की मदद कर चुका है और अब जब दोबारा तुर्की को मदद की जरूरत है तो भारत पीछे नहीं हट रहा। दरअसल दोस्तों, तुर्की के काउंसलर जनरल के स्टाफ द्वारा ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत द्वारा भेजी गई जो मेडिकल इक्विपमेंट की हेल्प है, ये इस मुश्किल की घड़ी में तुर्की के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे देश को अभी भारत की मेडिकल इक्विपमेंट की ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है। मौजूदा समय में दोस्तों, भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए भारत ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स इत्यादि तुर्की भेज रहा है और इन महत्वपूर्ण उपकरणों की सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने के लिए भारत हर जरूरी कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, भारत की ये अच्छी क्वालिटी के मेडिकल इक्विपमेंट तुर्की में हजारों लोगों की जान बचाने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, तुर्की जैसे देश की एक मदद की गुहार में भारत ने जिस तरीके से एक्शन लेते हुए अपने विमानों को तुर्की भेज दिया, इसने तुर्की नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के नागरिकों का दिल जीत लिया है। दरअसल दोस्तों, चारों तरफ यही चर्चा है कि भारत एक ऐसे देश की मुसीबत के समय में हेल्प कर रहा है जो कि भारत को लेकर हमेशा तीखे बयान देता था और भारत को लेकर हमेशा कटु वचनों का उपयोग करता था। और आप सभी मित्रगणों को याद ही होगा, तुर्की ने हाल ही के समय में भी भारत को लेकर विश्व भर में कैसे मोर्चा खोला था और भारत को लेकर तुर्की की नीतियां भी बदल गई थी अपने पाकिस्तान दोस्त को खुश करने के लिए। इसी कड़ी में दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंध काफी ज्यादा मजबूत कर चुका था, लेकिन दोस्तों मुसीबत के समय में तुर्की को भली भांति एहसास हो गया कि मुसीबत के समय में कोई काम नहीं आने वाला है भारत के अलावा। बाकी दोस्तों, इस संकट से बाहर निकलने के बाद तुर्की और भारत के संबंध कैसे होंगे, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि किसी देश के साथ संबंध कोई एक रात या एक दिन में नहीं बनते, इसको बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा समय लगता है। बाकी आप सभी मित्रगणों की इस टॉपिक को लेकर क्या राय, अपने वैल्यूएबल विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।